विद्यालय प्रबंधन ने सुबह 8:30 बजे फोन किया, उन्होंने कहा कि वो बेहोश है लड़की, और हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे वो एक्सपायर कर चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि हॉस्पिटल आने के पहले ही एक्सपायर कर चुकी थी। एक वार्ड में भी जिससे वो गई थी गाड़ी से, उन्होंने भी बताया कि वहीं विद्यालय में एक्सपायर कर चुकी थी। तो आपको क्या लगता है? ये है कि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही है, उसको समय पे इलाज करवाना चाहिए था, समय पे सूचना देनी चाहिए थी। बीमार है, मैंने तुरंत निर्देशित किया कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, एक वार्ड को फोन करके एम्बुलेंस बुलाइए, हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में छात्र की मौत हो गई। तो मैं तत्काल वहां हॉस्पिटल भी पहुंचा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा, वहां अधीक्षक से बात हुई। उन्होंने बताया कि ये एस्थमेटिक अटैक हुआ है इसको, ये प्रॉब्लम इसको बहुत पहले से, इसका इलाज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी पहले से ही चल रहा है। तो उसी के तहत उसकी मौत हुई है, जिसके लिए मैं एक 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर रहा हूँ।